हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। इस करंट अफेयर की सीरीज़ को आप सबने बहुत 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 लाइक करा, उसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा अनेक अनेक धन्यवाद। और इस वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, पुराने एस्पिरेंट सभी जानते होंगे, लेकिन न्यू एस्पिरेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम इसमें कवर करेंगे आज 10 MCQ क्वेश्चन। ये सभी होंगे आपके करंट अफेयर से संबंधित, और हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है जो लास्ट 2 मंथ में अब तक आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उनमें, और आपके आने आने वाला जो भी एग्ज़ाम है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो के साथ में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आज इस वीडियो के अंत में इसी वीडियो से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो समझ जाना कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखा, ईमानदारी से देखा। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो क्या समझ रहे हैं, समझदार को इशारा काफ़ी। थिंक अबाउट इट, मेरी बातों पर विचार करिएगा कि मैं किस ओर आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। बढ़ते हैं 131 क्वेश्चन प्रीवियस पार्ट में डिस्कस हम कर चुके हैं। अब है हमारा 131 नंबर क्वेश्चन से कि टायर दिग्गज ब्रिज स्टोन ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो 5 पर्सनैलिटी के नाम आपके सामने हैं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, जीतू रॉय, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी। तो 131 फटाफट लगाइए अपना आंसर, लिख लीजिए पेपर पे 131 न्यूमेरिक के आगे लिखिए अपना ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है। तो 131 का राइट आंसर है आपका पीवी सिंधु। 132 पहला बी मिस्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2017 बी मिस्टेक DMEX 2017 कहाँ पर आयोजित हुआ, ढाका, थिम्फू, काठमांडू, बैंकॉक, न्यू दिल्ली। 132 लगा लिया आंसर, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर है आपका 5 नई दिल्ली। 133 निम्न भारतीयों में से किसको फोर्ब्स की 100 महानतम व्यावसायिक व्यवसायों की सूची में शामिल किया गया है, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल, विनोद घोसला या फिर उपरोक्त सभी। 133 राइट आंसर 4 इन सभी को करा गया है 100 महानतम व्यवसायिक व्यवसायों की सूची में शामिल। 134 है 2017-18 के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशंस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए इतने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नियुक्ति वगैरह भी पूछी जाती हैं आपसे आपके एग्जाम में। तो 4 नाम आपके सामने हैं, 4 के 5 नाम आपके सामने हैं। अब क्या कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली एग्जाम में आपके सामने 5 ऑप्शन दे रहे हैं जिससे कि आपको 5 ऑप्शन पढ़ने पड़े और आपका टाइम खर्च हो। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी ये है कि क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ना है समझते हुए, और आपको एग्जाम में आपको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बोल बोल के नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है ऑप्शन जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे अरुण पुरी, रजत शर्मा, प्रणय रॉय, सुरेश वर्मा, रोहित कुमार, फटाफट दीजिए इसका आंसर। 134 134 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके सामने सेकंड, रजत शर्मा। 135 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस -सितंबर को दुनिया भर में मनाया गया 25, 22, 20, 24, 21। 135 तो लगा लीजिए आंसर अपना। तो 135 मेरे आंसर से टैली करिए, इसका आंसर है 5 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 136 संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है, फिलिपो ग्रांडी, जेफ सिंटो, जना मुस्तब, प्रफुल कुर्क और साकेत टिल्ट। 136 राइट आंसर 3 जना मुस्तब। 137 है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरे देश में पर्यावरण पर डैश नामक प्रश्नोत्तरी आयोजित करेगा, ऊर्जा खोज, वक्तण खोज, ज्ञान की तलाश, प्रकृति खोज। 137 राइट आंसर 4 ज्ञान 4 है ये प्रकृति खोज। 138 है केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का नाम क्या है, स्मृति ईरानी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, उमा भारती, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। 138 राइट आंसर 2 राज्यवर्धन सिंह राठौर। किस भुगतान बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप बीपे, ऐप का नाम क्या है बीपे, ये लॉन्च किसने कराया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिनो, पेटीएम, एयरटेल, टेक महिंद्रा, रिलायंस।
139 राइट आंसर फर्स्ट फिनोम। अगला है आपका 140 टाटा टेक्नोलॉजीज के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकास गुप्ता, राहुल शर्मा, रवि जैन, सुनील सिंह, जे के गुप्ता। 140 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 5, जे के गुप्ता। तो फ्रेंड देखिए, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपके कोई भी नोट्स हो जिनको आप चाहते हैं कि औरों तक डिस्कस करना, अगर मुझको लगे कि आपके नोट्स काफ़ी यूज़फुल हैं तो मैं उसके लेकर के एक वीडियो पक्का बनाऊंगा। आप अपने जो नोट्स की स्कैन करके पीडीएफ बना करके आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है व्हाट्सअप पे आप मुझे अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं, ऑडियो फाइल मतलब वॉइस रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके। अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको भेजना है व्हाट्सअप पे अपनी फ़ोटो, नेम, स्टेट, तीनों ही चीज़ें और अपनी राशि। आपका स्क्रीनशॉट मैं भेज दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में कि आपने कितना डोनेट करा आपकी फ़ोटो के साथ में। और फ़ोन पे बात करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं सैटरडे को 1 PM to 3 PM। तो फ्रेंड आज का क्वेश्चन इसी वीडियो का मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये है क्वेश्चन नंबर 135 जो अभी आपने देखा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप मुझे भेजेंगे अभी कमेंट में लिख करके कि इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं कि आपने कितना ईमानदारी से ये वीडियो वॉच करा। जिसका आंसर सही है ये उसके लिए था, और जिसका आंसर सही नहीं होगा, जिसको अपने आंसर पर कन्फ्यूज़न होगी कि यार इसका राइट आंसर क्या है, तो बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक बार इस वीडियो को और प्ले कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, और पिछले जो भी वीडियो हैं उन सबको एक बार प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सभी क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप अभी 130 क्वेश्चंस आपके पास पेंडिंग है देखने के लिए। तो फ्रेंड लेता हूँ आपसे अलविदा, बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अगर लाइक नहीं करा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। दीजिए फॉर